पिछली वीडियो में हमने कक्षा दसवीं का पार्ट एक नेताजी का चश्मा का सार पढ़ा था। आज हम करेंगे नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? ये तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, हमने इस पार्ट में पढ़ा था। पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि जो सभी लोग थे वो उसको कैप्टन कहकर बुलाते थे। तो चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था और ना ही वो देश की किसी फौज में था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह रहा होगा कि चश्मे वाले के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना योगदान देता था। कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, वो मूर्ति जिस पर मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। कैप्टन ने जब ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। उसके मन में देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान की भावना बहुत ज्यादा थी, इसलिए कैप्टन जब तक जीवित रहा उसने उस मूर्ति पर चश्मा लगा कर रखा और उसकी इसी भावना से लोग उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न दो, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना कर दिया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, ठीक है। तो इसका पहला है कि जो हालदार साहब थे वो मायूस क्यों हो गए थे, ये पार्ट्स में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स में है, इसका ख क ख और ग। तो पहला भाग है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, ठीक है। तो हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि हालदार साहब चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे। जब से कैप्टन बना मूर्ति पर किसी ने भी चश्मा नहीं लगाया था, इसलिए जब हालदार साहब कस्बे से गुजरते तो उन्होंने अपने ड्राइवर को भी वहां गाड़ी रोकने से मना कर दिया था। इसका ख भाग है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि आज के बच्चे कल को देश का निर्माण करने में सहायक होंगे। हालदार साहब जब चौराहे से गुजरे तो ना चाहते हुए भी नेताजी की मूर्ति पर उनकी नजर चली गई। मूर्ति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब को यह उम्मीद हुई कि आज के बच्चे कल को देश का निर्माण करने में सहायक होंगे और अब उन्हें कभी भी चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं देखनी पड़ेगी। इसका अगला भाग है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर बच्चे के हाथ से बना सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। पहले उन्हें ऐसा लगा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को वहां गाड़ी रोकने से भी मना कर दिया था। परंतु जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा देखा तो वो भावुक हो गए। उन्होंने नम आंखों से नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया। प्रश्न तीन, आशा स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी जवानी सब कुछ न्योछावर करने पर कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए दिखने के मौके ढूंढती है। अब ये लाइनें हमने पाठ में भी पढ़ी थी। तो लेखक जो ये कहना चाह रहे हैं कि लेखक बार बार यही सोचते हैं कि उस देश के लोगों का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने वालों पर भी हंसती है। मतलब जो ऐसे लोग उन पे हंसते हैं जो अपने देश के लिए सब कुछ यहाँ तक कि अपना जीवन तक न्योछावर करने के लिए तैयार है उन पर भी हंसती है। क्या होगा ऐसे लोगों का, देश के लिए अपना घर अपना परिवार अपनी जवानी यहाँ तक कि अपने प्राण भी देने वालों पर लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों के पास लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं जिससे उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता है। अगला प्रश्न है, पान वाले
आले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब हमने पाठ में देखा था, पढ़ा था उसने कि जो पान वाला है वो उसने एक उसका अपना किरदार निभाया है उसने, तो पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था और शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी। जब भी वो किसी से बात करता तो मुंह में रखे पान को पहले नीचे थूकता था, फिर वो उनसे बात करता था। वो स्वभाव से खुश मिजाज था। हर बार पान खा बार बार पान खाने से उसके दांत जो थे वो लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले पान को नीचे थूकता था, उसकी ये आदत बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी के बारे में पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज में लोगों के सामने प्रस्तुत करता था। नेक्स्ट प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब यहाँ पे कैप्टन के बारे में पान वाला बोल रहा है वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। हाजर साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले के प्रति आदर था, सम्मान था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन है तो उन्हें लगा वो नेताजी का कोई साथी रहा होगा, परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह लंगड़ा व्यक्ति है, वो फौज में कैसे जा सकता है। पान वाले का कैप्टन की हंसी उड़ाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। एक वही था, कैप्टन ही था जो मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा करता था। उसके नेताजी के प्रति आदर भाव ने ही कस्बे में उसकी पूरे कस्बे में उनकी इज्जत बचा रखी थी। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान नहीं था, उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई ना कोई मसाला चाहिए था। यदि ऐसे लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें किसी की हंसी उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसे भी व्यक्ति का स्वामी था, उसे उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। नेक्स्ट, हाजार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। हालदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को देखा करते थे, निहारा करते थे। उनके मन में देश के नेताओं के प्रति आदर था, सम्मान की भावना थी। नेताजी की मूर्ति उन्हें देश के निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रेरित करती थी, इससे उनकी देशभक्ति का पता चलता था। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला जब भी कोई बात करता तो अवश्य अपने मुंह में रखे पान को नीचे थूकता था। पान वाले को कैप्टन के मरने का बहुत दुख था, इसलिए उसकी आंखें नम थी, मतलब गीली थी। उससे पता इस बात से यह पता चलता है कि पान वाले के मन में कैप्टन के प्रति आदर सम्मान की भावना थी। आगे इसका गवाह देखिए, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। बिना चश्मे के मूर्ति कैप्टन को आहत करती थी, उसको दुख पहुंचाती थी, इसलिए जब भी वो मूर्ति के पास जाता तो मूर्ति को सचमुच के चौड़े फ्रेम का चश्मा लगा देता था। जब भी मूर्ति पर से चश्मा उतारा जाता वह उसी समय मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इससे पता चलता है कि कैप्टन के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान की भावना थी। नेक्स्ट प्रश्न 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था उनके पास मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, मतलब जब तक कैप्टन को हालदार साहब ने नहीं देखा था वो उसके बारे में क्या सोच रहे थे। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था
कैप्टन एक रोबदार व्यक्तित्व वाला इंसान है उनके लिए। उसके मस्तिष्क के पटल पर एक गठीले बदन के पुरुष की छवि अंकित थी, जिसकी मूछें बड़ी बड़ी थी। उनकी चाल में फौजियों जैसी मजबूती और ठहराव था, चेहरे पर तेज था। उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा था जिसे देखकर दूसरे लोग प्रभावित होते थे। इस तरह हालदार साहब के दिल और दिमाग पर एक फौजी की तस्वीर अंकित थी। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता था? नेताजी का चश्मा हर बार कैप्टन बदलता था। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते थे तो वो चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को जरूर निहारा करते थे, और जब भी वो हालदार साहब उस मूर्ति को देखा करते थे, उस मूर्ति पर चश्मा बदला होता था। पूछने पर पान वाले ने हालदार साहब को बताया कि मूर्ति का चश्मा कैप्टन बदलता है। कैप्टन को बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति दुख पहुंचाती थी, इसलिए उसने उस मूर्ति पर सचमुच के चौड़े प्रेम का चश्मा लगा दिया। अब यदि कोई ग्राहक उसके पास उस चश्मे को पसंद करता जो कि उसने मूर्ति पर लगाया है, यदि वो चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाता था तो कैप्टन उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता था और उस मूर्ति पर उस चश्मे के बदल दूसरा चश्मा लगा देता था, और इस तरह नेताजी का चश्मा इस तरह मूर्ति पर हर बार चश्मा बदला नजर आता था। अगले प्रश्न, नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता था? तो नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उसका स्थापित करवा दिया। लोग जब भी नेताजी की मूर्ति को देखते तो नेताजी का आजादी के दिनों में आजादी के दिनों में जो उनके अंदर जोश था वो याद आने लगता था। उन्हें नेताजी के नारे याद आते थे जो लोगों में उत्साह भरते थे, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी मूर्ति देखकर लोगों को प्रतीत होता था कि उन्हें देश के नव निर्माण में कोई पुकार रहा है। धन्यवाद।